Hi guys, this is Stuti, co-founder of Conquering My Own Everest. Thank you for registering for the webinar. Tomorrow we will be discussing busting the myths about it, why it is so difficult to lose weight and why after doing so many diets we are not able to lose weight. Let me start to tell you my story. I'm 45 years old and I'm by my qualification, I'm a maths graduate and I've studied some business also. And it has nothing to do, you may be thinking, it has nothing to do with nutrition and biochemistry and why should you be listening to me? So here's the answer. So while I was 35 years old, I was really unwell. I couldn't sit on floor, okay? Zameen pe baithna hota tha, toh meri puri jaan nikal jati thi. Ek aansu tapak hi jata tha. Kaafi dard hota tha mere knees mein. I had severe acid reflux. मुझको नहीं मालूम होता था कि मैं किस दिन सुबह सो के उठूंगी और मैं वॉमिट हो रही होगी मुझको. एंड मैं काफ़ी मोटी थी. आई वॉज 82 kgs एंड येट आई वॉज हैप्पी गो लकी. आई रियली थॉट इसी को बूढ़ा होना बोलते हैं. 35 की एज में आई वॉज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ गेटिंग ओल्ड. एंड मुझे मेरे घर वाले ओकेजनल हार्ड वर्कर बुलाते थे. मैं बिल्कुल भूखी नहीं रह सकती थी, पर मैं अपने लिए बिल्कुल भी जागी हुई नहीं थी. तो मैं जागी किस लिए, कब जागी मैं? मैं जागी क्योंकि मेरी लाइफ के दो फेवरेट लोग, लोगों की तबीयत, जो कि ऐसे एक की उम्र 35 साल और एक की उम्र 65 प्लस थी, वो दोनों बीमार हुए और दोनों अलग अलग कारणों से बीमार हुए. एक उस एज में था जहाँ पे वो जो अपने एज की डिजीजेज हैं लाइक ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज ब्लड रिपोर्ट्स में दिखाई देना शुरू हो गए थे. और दूसरा इसलिए क्योंकि दूसरे मेरे फादर जो कि बहुत सालों से इन चीज़ों को मैनेज करने की मेडिसिंस खा रहे थे और अब वो टाइम आ चुका था जब ये मेडिसिंस अपना जो साइड इफ़ेक्ट है वो दिखाना शुरू कर रही थी. उनको एक जगह से दूसरी जगह हर तरीके के डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे थे, हर तरीके की पैथी ट्राई कर रहे थे और सबके पास से तकरीबन एक ही आंसर मिल रहा था, ये दवाई ले लो और इनको सारी जिंदगी खाना होगा और अब इन डिजीजेस को मैनेज करना होगा. आई वॉज थिंकिंग कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इंसान मार्स तक पहुंच गए हैं और इन अर्थली डिजीजेस जो कि हर अगले इंसान को है उससे डील करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं हो. Next few years, I've spent in studying physiology, anatomy, biochemistry, nutrition, और मुझे कोई और नहीं मिला. मैंने खुद को लैब बनाया और खुद से उस पढ़ाई को, उसको implement करना शुरू किया. Long story short, I'm in front of you. A lot shifted in my life. I lost some 22 kgs. मेरे सबसे important बात है कि मेरे knee pain disappear हो गए. मैं आज आराम से ऐसे ज़मीन पे बैठ सकती हूँ, with ease खड़ी हो सकती हूँ और मेरा कोई acid reflux नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ें. और इसका सब benefit और बहुत सारे लोगों ने लिया और इसीलिए Conquering My Own Everest भी बनाया. So, this is the story. But ये किया कैसे, क्या है इसके पीछे, ये जानने के लिए आपको कल आना होगा और कल हम इसी पे बात करेंगे कि वो कौन सी तीन मिथ हैं जो बर्स्ट किए और जो मैंने डिस्कवर किए और जो कि डेफिनेटली सरफेस पे नहीं हैं, गूगल सर्चेस पे आंसर्स नहीं आते हैं, पर लेकिन थोड़ा सर्च करने से, थोड़ा रिसर्च करने से हमको आंसर्स मिल जाते हैं. सो ये आंसर्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अगर मेरी जैसी ऑर्डिनरी मैथ्स ग्रेजुएट थोड़ी सी सटक गई थी और ये सब समझ पाई तो आई एम श्योर कि हम सब समझ सकते हैं और यही सिखाना चाहती हूँ. सो सी यू टुमारो. कल रात को 8 बजे है, 1 घंटा रखिएगा, आराम से आइएगा, वीडियो ऑन रखिएगा. दैट्स माई ओनली रिक्वायरमेंट वाइल यू पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि तभी इंटरेक्शन होगा. अदरवाइज ग्रे ग्रे डब्बों को डिलीवर करने में मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता. रियल ह्यूमन बींग्स, रियल कॉन्वर्सेशन रियली रियली इंटरेस्ट मी. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, आई वॉन्ट टू प्रोमिस यू दैट दिस 1 hour विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर योर लाइफ. इट मे चेंज लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ यू हु विल सिट देयर विथ लॉट ऑफ इंटेंशन एंड आई विल डिलीवर विद बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. सो सी यू देयर एट 8 o'clock.
with your paper and pen, with your video on, with your full intentionality. We're going to change lives. See you there.